बाबू जो है उन्हें सिर्फ और सिर्फ सत्ता चाहिए, भले ही वो महागठबंधन के साथ हो या एनडीए गठबंधन के साथ। क्या बिहार की जनता ऐसी सरकार पर विश्वास कर पाएगी, नीतीश बाबू पर विश्वास कर पाएगी? क्या बीजेपी पर भी विश्वास किया जाए? क्या बीजेपी को ऐसा करना चाहिए था? नीतीश बाबू जिस पर इतने आरोप पहले से ही लगे हुए हैं कि वो किसी भी दल के साथ नहीं जा सकते, कंटिन्यू नहीं कर सकते, क्या उस पर जनता विश्वास कर पाएगी? भारत एट नाइन देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं काजोल नारायण, और बात आपकी कर लेते हैं, आप यानी कि जनता की। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश बाबू, जिन्हें बीजेपी पलटूराम कहती थी और कांग्रेस ने भी पलटूराम कहा है, दोनों ने पलटूराम की उपाधि से इन्हें नवाजा है, लेकिन नीतीश बाबू जो हैं उन्हें सिर्फ और सिर्फ सत्ता चाहिए, भले ही वो महागठबंधन के साथ हो या एनडीए गठबंधन के साथ। और यही नज़र आया बीते रविवार को, जब एक बार फिर से 5 साल में तीसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेते हुए नीतीश बाबू नजर आए हैं, और पूरे कार्यकाल में देखें तो 9वीं बार, और बिहार की राजनीतिक इतिहास में पहली बार हुआ है। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये आम जनता के बारे में सोच रहे हैं? क्या ये आपके बारे में सोच रहे हैं? आम जनता के मुद्दे होते हैं महंगाई, रोज़गार, बढ़ती बेरोजगारी, नौकरियाँ, घरेलू गैस सिलेंडर के बढ़ते दाम, ये तमाम बातें थी जिसको लेकर लगातार हमने देखा था कि यही नीतीश बाबू जो हैं चीख चीख कर बोलते थे, और यही नीतीश बाबू हैं जो पिछले 1.5 साल से लगातार हर दल के पास जाकर गठबंधन बनाने की तैयारी कर रहे थे, और 23 जून 2023 को गठबंधन बना, पहली बैठक हुई, पटना से ही शुरुआत हुई, यही संयोजक थे, लेकिन इन्होंने ही गठबंधन में पूरी तरह से दरार डाल दी है। सवाल यहाँ गठबंधन टूटने का नहीं है, सवाल यहाँ गठबंधन में दरार के नहीं है, सवाल ये है कि क्या ऐसा नेता आम जनता के लिए सोच सकता है? सवाल ये है क्योंकि आम जनता क्या चाहती है ये महत्वपूर्ण है। आम जनता के मुद्दे, आम जनता के किए वादे, क्या वो पूरे हो रहे हैं, ये महत्वपूर्ण है। बिहार में तो ऐसा होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। क्या बिहार की जनता ऐसी सरकार पर विश्वास कर पाएगी, नीतीश बाबू पर विश्वास कर पाएगी? नीतीश बाबू जो कुछ समय पहले बीजेपी को लगातार गरिया रहे थे और बीजेपी को लेकर तमाम तरह की बयानबाजी कर रहे थे, एक बार फिर से एनडीए के साथ चले गए हैं, बीजेपी के साथ चले गए हैं, और कहते हैं कि हम बिहार को एक बार फिर से सुशासन देंगे और बिहार की जनता से वादे जो किए थे उन्हें पूरा करेंगे। अब बात बीजेपी की कर लेते हैं। बीजेपी जब नीतीश बाबू ने महिलाओं को लेकर अनर्गल बयानबाजी की थी, तब बीजेपी ने नीतीश बाबू को बहुत घेरा था कि ये कभी भी महिलाओं के प्रति, उनके विकास के प्रति, उनकी सुरक्षा के प्रति कटिबद्ध नहीं हो सकते। आज वही बीजेपी है जो उनके साथ चली गई है, तो क्या बीजेपी पर भी विश्वास किया जाए? क्या बीजेपी को ऐसा करना चाहिए था? अभी 2023 में ही जो विधानसभा चुनाव हुए, 5 राज्यों में 3 में से पूर्ण बहुमत की सरकार भाजपा ने बनाई है, क्या भाजपा को जरूरत थी? या भाजपा को कहीं ना कहीं बिहार में डर लग रहा था या गठबंधन से डर लग रहा था, ये भी बहुत बड़ा सवाल है। दूसरी तरफ नीतीश बाबू क्या पहले से ही समझ गए थे, क्योंकि उन्हें मौसम वैज्ञानिक भी कहा जाता है, कि इस लहर में उनका कुछ नहीं होने वाला गठबंधन के साथ जाकर भी? क्या नीतीश बाबू ये समझ गए थे कि आने वाले समय में सरकार तो एनडीए की ही बनेगी, इसी वजह से अभी से ही धीरे धीरे करके गठबंधन से दूरी बनाई जाए और एनडीए के नज़दीक जाया जाए? क्या नीतीश बाबू समझ गए थे? क्योंकि सुशासन बाबू कहे जाने वाले पर पलटू राम का टैग लग गया है, और यह टैग सिर्फ कांग्रेस ही नहीं बीजेपी ने भी नीतीश बाबू को दिया था, जब नीतीश बाबू ने महागठबंधन के साथ आज से 11 महीने पहले सरकार बनाई थी एनडीए से गठबंधन तोड़ के। आप ये देखिए कि 5 साल में तीसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ नीतीश बाबू ने ली है, लेकिन सवाल ये है कि चेहरे पर जरा सी भी शिकन जो है वो नजर नहीं आती है कि आम जनता के साथ आप कर क्या रहे हैं। कांग्रेस आरोप लगा रही है कि जो जैसा करता है वैसा भरता है नीतीश बाबू के जाने से सभी जो दल हैं वो खुश हैं। गठबंधन तो देखिए जो बिखर रहा है वो अलग बात है, लेकिन जो महागठबंधन बिहार में था, सवाल ये है। तेजस्वी यादव ने अभी कुछ ऐसी बयानबाजी नहीं की है नीतीश बाबू को लेकर। अब सवाल आम जनता का इसलिए है क्योंकि आम जनता को विश्वास में लाने के लिए एक समय लगता है। जब आप वादे करते हैं, दावे करते हैं, उनको पूरा करने के लिए धरातल पर काम करते हैं, तब आप जनता को विश्वास में लेते हैं। लेकिन आप हर 1 साल बाद पलटी मार लें, फिर दोबारा से किसी और
गठबंधन के साथ चले जाएं, क्या जनता आप पर विश्वास कर पाएगी? क्या जनता जवाब नहीं देगी? क्या आपको लगता है कि आप मौसम वैज्ञानिक हैं, आपको ये लग गया था कि भाजपा सरकार बना रही है 2024 में, तो आप पहले ही गठबंधन से अलग होकर एनडीए गठबंधन में चले जाएं? तो जनता, अभी विधानसभा चुनाव भी नज़दीक है, बिहार के बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, जनता वहाँ पर भी जवाब दे सकती है। ठीक है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर अगर जनता वोट देगी भी, लेकिन जब विधानसभा चुनाव होंगे तब क्या? ये बहुत बड़ा सवाल है। जनता विश्वास कैसे करे, चाहे वो भाजपा हो चाहे वो जेडीयू हो, क्योंकि उंगली दोनों पर ही उठ रही है, तमाम दल जो हैं उंगली उठा रहे हैं। अगर सोशल मीडिया आप खंगालेंगे तो आम जनता भी कह रही है कि भाई ये क्या बात हुई, हम कैसे विश्वास कर लें कि आप जनता के साथ, आप तो सिर्फ अपनी कुर्सी बचाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर हर एक साल बाद, 11 महीने बाद, 12 महीने बाद आप दल बदल लेंगे और मुख्यमंत्री बने रहेंगे तो काम कैसे होगा फिर? क्या ये कन्फर्मेशन है कि अब नीतीश बाबू कहीं नहीं जाएंगे? क्या ऐसी कोई कन्फर्मेशन है? क्या कुछ ऐसे दस्तखत किए हैं नीतीश बाबू ने? क्या कुछ ऐसा लिखकर उन्होंने स्टेटमेंट दिया है कि वो आगे फिर कभी दल नहीं बदलेंगे? राजनीति है, ठीक है, समझ में आता है, बहुत कुछ हो सकता है, लेकिन ये ओछी राजनीति हर बार क्यों? बिहार एक ऐसा राज्य है जहाँ पर बड़े पैमाने पर IAS ऑफिसर निकलते हैं, उस बिहार की जनता के साथ आप खिलवाड़ क्यों कर रहे हैं? जिस बिहार की जनता जो है वो लगातार अपनी मेहनत कर रही है, चाहे वो पढ़ाई के क्षेत्र में हो चाहे वो दूसरे क्षेत्रों में हो, बिहार के लोगों ने कई जगह जाकर अपना नाम रोशन किया है, लेकिन जब वो बाहर बताएंगे कि हमारे तो मुख्यमंत्री कभी भी बदल जाते हैं, तब आप सोचिए कि उन पर क्या असर पड़ता होगा, जो अपने आप को गर्व से कहते हैं उन पर क्या असर पड़ता होगा? क्या आपने कभी सोचने की कोशिश की है? मैं ये नहीं कह रही कि आप अगर NDA गठबंधन के साथ चले गए हैं तो आप बेहतर काम नहीं कर पाएंगे या बेहतर तरीके से विकास नहीं होगा, ठीक है, हो सकता है कि आगे आप बेहतर काम करें, आप पर विश्वास भी कर लिया जाए, लेकिन विश्वास किस आधार पर किया जाए? क्या आप टिके रहेंगे अपनी बातों पर? ये भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है अगर आप समझने की कोशिश करेंगे तो। देखिए, एक तरफ तो आपने इतनी मेहनत की गठबंधन को जुटाने के लिए और आप पूरी तरीके से कहते रहे कि हम तो देश के लिए, हम तो जनता के लिए, तो क्या अब आप देश के लिए बात नहीं करेंगे, आप देश की जनता के लिए बात नहीं करेंगे? अगर तब आप देश की और जनता की बात कर रहे थे तो क्या अब देश और जनता की बात नहीं है? सवाल ये भी है। विश्वास, आम आदमी को विश्वास में लेना बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए, अगर मैं बीजेपी की बात करूं तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक ऐसा चेहरा है जिस पर देश विश्वास कर रहा है, और 2014 की हम बात कर लें, 2019 की हम बात कर लें तो जनता ने विश्वास जताया है, विधानसभा चुनावों में भी विश्वास दिखाई देता है, लेकिन नीतीश बाबू जिस पर इतने आरोप पहले से ही लगे हुए हैं कि वो किसी भी दल के साथ नहीं जा सकते, कंटिन्यू नहीं कर सकते, क्या उस पर जनता विश्वास कर पाएगी? देखिए, जनता को बरगलाना, जनता को बेवकूफ़ बनाना आप बंद कर दीजिए। जनता सब समझ रही है, सब सोच रही है कि आप क्या करने की कोशिश करें, सिर्फ आप अपनी कुर्सी बचाने की कोशिश करें, चाहे कैसे भी साम दाम दंड भेद के साथ आपको सिर्फ और सिर्फ अपनी कुर्सी से प्यार है, वो बची रहे, आप मुख्यमंत्री बने रहें बस ये। और सबसे बड़ा आश्चर्य जो है वो भाजपा पर होता है कि भाजपा कैसे, जिस भाजपा ने गंभीर आरोप लगाए बीते 11 महीने में नीतीश बाबू को लेकर, वो भाजपा आज कैसे विश्वास कर रहे नीतीश को कि वो उनका साथ हमेशा के लिए देंगे? नीतीश बाबू पर कैसे, वो तो कभी भी सरकार गिरा सकते हैं, कभी भी दूसरे गठबंधन में शामिल हो सकते हैं। तो ये हमें समझने की ज़रूरत है, और ये आम जनता को भी समझने की ज़रूरत है कि आखिर आप क्या करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर लोकसभा के लिहाज से देखा जाए तो गुणागणित सही बैठ रहा है, लेकिन विधानसभा के हिसाब से आप देखेंगे तो फिर वहाँ पर आपको परेशानी हो सकती है, दिक्कतें हो सकती हैं। तो आपको सिर्फ दूरगामी सोच की ज़रूरत है, सिर्फ अभी लोकसभा चुनाव में सीट पाने के लिए, या आपको ऐसा लग रहा था, विपक्षी दल ये कह रहे हैं, अखिलेश यादव ने कहा है कि प्रधानमंत्री का चेहरा नीतीश बाबू थे और बीजेपी ने बड़ी चालाकी से ऐसा किया कि एक प्रधानमंत्री चेहरे को मुख्यमंत्री बनाकर छोड़ दिया है, सब ये कह रहे हैं, तो आपने कैसे सोच लिया कि गठबंधन के साथ ना जाकर आप बेहतर कर रहे हैं या अच्छा कर रहे हैं? ये बहुत महत्वपूर्ण है। और बीजेपी को भी कहीं ना, देखिए बीजेपी के पास, जब बीजेपी को ये पता है कि बीजेपी पूरी तरह से स्ट्रांग है, और बीते चुनावों में भी हमने देखा, तो बीजेपी को भी क्या साथ में जाने की ज़रूरत थी, या सिर्फ कांग्रेस को हरा
पीछे रखने के लिए या कांग्रेस किसी भी तरीके से कोई भी दल कांग्रेस के साथ ना जाए, ये चाल खेली गई है, ये भी महत्वपूर्ण है। अब सवाल गठबंधन पर भी आ जाता है। गठबंधन जो आज जो नीतीश बाबू को, क्योंकि उन्होंने साथ छोड़ दिया, नीतीश बाबू को गुरियाने में लगा हुआ है कि नीतीश के बिना सारे दल जो हैं वो खुश हैं, नीतीश बाबू पर विश्वास करना मुश्किल है, नीतीश बाबू जो पलटू राम है, नीतीश बाबू ने जो कहा वो नहीं किया, नीतीश बाबू पर विश्वास नहीं किया जा सकता, क्या वो कांग्रेस कभी जेडीयू के साथ नहीं जाएगी, ये भी महत्वपूर्ण है। सिर्फ और सिर्फ एक ओछी राजनीति करी जा रही है, इधर खेला उधर खेला किया जा रहा है, लेकिन जनता के बारे में कोई नहीं सोच रहा है, सिर्फ और सिर्फ अपनी गद्दी के बारे में हर कोई सोचता हुआ नजर आ रहा है। ये हमें समझने की जरूरत है, ये आम जनता को समझने की जरूरत है, बहुत महत्वपूर्ण है। उम्मीद है कि कुछ बातें जो मेरी हैं वो आपको, शायद बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो सहमत होंगे, क्योंकि सोशल मीडिया पे कल से ही ट्रेंड कर रहा है, बहुत सारे ऐसे हो सकते हैं जो सोचे कि हाँ अब शायद बिहार में सुशासन आ सकता है, बिहार में कुछ अच्छा हो सकता है, लेकिन बिहार की जनता को तय करना है आगे चलकर लोकसभा चुनाव में भी और आने वाले विधानसभा चुनाव में भी, कि उन्होंने क्या, जो ये दल बदल की राजनीति हुई है क्या ये उनके लिए सही है। एक 9 में आज के लिए इतना ही, कल किसी और मुद्दे पर बात करेंगे। धन्यवाद।